भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां तेज। जम्मू में संगठनात्मक बैठक में चुनाव पर मंथन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बैठक में मौजूद। सांबा में रेलगाड़ियां ना रुकने का मामला पहुंचा दिल्ली। दिसंबर में रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे सांबा के विधायक। सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ लेकर रवाना होंगे दिल्ली। कोरोना में सांबा में रेलगाड़ियां के स्टॉपेज पर लगी थी रोक। जेपीडीसीएल की वर्कशॉप में चोरी की कोशिश नाकाम। चौकीदारों की मुस्तैदी से चोरों के इरादों पर फिरा पानी। चोरों ने पुलिस पर किया हमला और की गोलीबारी। गाड़ी वर्कशॉप में छोड़कर मौके से फरार हुए चोर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में इन चुनावों पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि एक बैठक होने वाली है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं उन पर मंथन जो है वो किया जाएगा। सभी विधायक सभी कार्यकर्ता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग खास तौर पर इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सत शर्मा जो कि नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मौजूद है और तमाम जो नेता और कार्यकर्ता वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का होगा वो इस बैठक में जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम बड़े नेता, श्याम चौधरी की तस्वीर आपके सामने, डॉक्टर निर्मल सिंह की तस्वीर आपके सामने, सभी आला अधिकारी आला नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अब क्या नए चेहरे होंगे, किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी, तो इन सभी चीजों को लेकर आज एक बैठक जो है वो तरुण चुग की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, कितनी अहम ये मीटिंग होने वाली है और साथ ही साथ बताएगा कि किन पदों को लेकर चर्चा इस ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय पहले इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी यूटी प्रेसिडेंट सर शर्मा इसमें मौजूद है, तमाम एमएलए इसमें मौजूद है, कविंदर गुप्ता जी इसमें मौजूद है, तमाम लीडर्स इस बैठक में मौजूद है। देखिए इससे पहले भी बैठक का सिलसिला जो है वो देखने को मिला, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बैठक की अगर हम बात करें तो देखिए आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन चुनाव होने वाले हैं तो वो किस प्रकार से रहेंगी, क्या कुछ रणनीति उसको लेकर तैयार की जाएगी, उस पर जो है वो आज मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए पंचायती चुनाव भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, म्युनिसिपल चुनाव भी आने वाले हैं, तो इन सब तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उभरती पार्टी है। और देखिए जिस प्रकार से लगातार एक निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी रणनीति जो भी स्कीम्स लाई गई है उन स्कीमों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सके। तो अभी इस समय की बात करें तो अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल बैठक जो है वो देखने को मिल रही है और कुछ ही समय पहले बैठक की जो है वो शुरुआत हुई है। शिल्पा, अब न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या कुछ लगता है कि स्ट्रक्चर ये सिमिलर रहने वाला है, सेम रहने वाला है, स्टैटिक जैसे पहले था, या फिर कुछ बड़े चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए हो सकता है कि बड़े बदलाव इसमें देखने को मिले, जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले देखने को मिल रहा था तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे समय बदलता है तो वैसे कहीं ना कहीं बदलाव भी देखने को मिलते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो अभी इन सब चीजों पर मंथन किया जा रहा है, रणनीति को तैयार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो और भी कड़ा मजबूत किस प्रकार से किया जा सके। जो पंचायती चुनाव आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय हासिल किस प्रकार से की। शिल्पा, क्या नए चेहरों को हम देख सकते हैं इस नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि इलेक्शंस होंगी, क्या कुछ लगता है नए चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा, उसके बाद विधानसभा में हमने देखा, चुनाव में नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आई है, इस बार क्या कुछ लगता है आपको?
जी बिल्कुल, देखिए संभावना है कि नए चेहरे भी सामने जो है वो आ सकते हैं या फिर पुराने चेहरों को ही जो है वो खड़ा उतारा जा सकता है, लेकिन संभावना देखिए चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं कि नए चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल इन सब चीजों को लेकर जो है उस समय मंथन किया जा रहा है। शिल्पा, आप क्या कुछ लगता है कि किन पदों को लेकर चर्चा होगी और क्या कुछ लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बदलाव लाने के लिए क्या कुछ नई सीट्स, क्या कुछ नए पद इसमें ऐड ऑन किए जा सकते हैं? देखिए इस प्रकार की कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए संभावना ये जताई जा सकती है कि नए पद इसमें ऐड ऑन किए जा सकते हैं, नए चेहरे जो है वो लाए जा सकते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी पर और भी ज्यादा जो है वो आम जनता विश्वास कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इन सब तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जो है वो मंथन किया जा रहा है। शिल्पा, लेकिन वही दूसरी तरफ सदस्यता अभियान भी लगातार जारी है, 20 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, क्या उस हवाले से भी इस जो बैठक है उसमें बातचीत हो सकती है, क्योंकि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना काफी ज्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 20 लाख का यहाँ पर जो है वो टारगेट रखा गया है उससे भी ज्यादा लोग, 20 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े, इसको लेकर सदस्यता बैठक देखिए इससे पहले देखने को मिली और काफी लंबे समय तक ये बैठक, यानी कि आप देखेंगे दिल्ली में भी बैठक हुई जहाँ पे जेपी नड्डा ने ये बैठक जो है अध्यक्षता की थी, उसके बाद जम्मू में देखने को मिली, जम्मू में 2 ये सदस्यता बैठक हुई। तो फिलहाल देखिए पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, उनकी रणनीति जो इस समय जो स्कीम्स है उन्हें जो है वो आम जनता के सामने लाया जा सके, इसको लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो मंथन कर रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, उनकी अध्यक्षता में पूरी बैठक होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या चेंज किया जाएगा, क्या फिर वो स्टैटिक रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है उसको लेकर सभी कार्यकर्ता और जो आला नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और स्थिति क्या कुछ होगी वो भी आपको अपडेट जरूर करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा की बात करेंगे, जहां पर सांबा के रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर रेलगाड़ियां ना रुकने का मामला अब गर्माता जा रहा है। सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया दिसंबर महीने के पहले हफ्ते दिल्ली जाकर इस मामले को रेल मंत्रालय के समक्ष उठाने जा रहे हैं। सलाथिया और सांसद जुगल किशोर शर्मा रेल मंत्री से मुलाकात कर सांबा में रेलगाड़ियों के स्टॉपेज पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सांबा रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के काल यानी कि कोरोना काल में रेलगाड़ियों के स्टॉपेज पर रोक लगा दी गई थी जो कि आज तक नहीं हट पाई है, और स्टॉपेज नहीं हट पाने के कारण यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि सांबा के विधायक हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन का कोई इशू नहीं कि ये इनसे बात की जाए, क्योंकि ये यहाँ के रेलवे के अधिकारी हैं, उनमें से बार बार बात करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। आज से चंद दिन पहले यहाँ पे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी वो मीटिंग को जहाँ चेयर कर रहे थे उस दिन भी मैंने ये इशू फ्लैग अप किया था कि एक बड़ी दरीना डिमांड है लोगों की हमारे सांबा के रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ सिविल सोसाइटी ने भी मुझे एक मेमोरेंडम दिया था, मैं इसी हफ्ते में दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली जा रहा हूँ और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे, मैं रेलवे मंत्री से मिलूँगा ताकि हम इस इशू को रिजॉल्व करवा सकें, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है लोगों को, जो हमारे यहाँ फौज के लोग हैं। जब तो चलिए, आप सुरजीत सिंह सलाथिया को सुन रहे थे जो कि सांबा के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में वो दिल्ली जाएंगे और इस हवाले से चर्चा की जाएगी। तो इस हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, ऋषि से जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, ये मामला काफी पुराना है, कोविड काल के बाद स्टॉपेज यहाँ पर बंद की गई थी ट्रेन्स की, अब ये मामला दिल्ली पहुंचने जा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 4 साल का एक लंबा वक्त हो चला है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है वो नहीं रुकी है। मैं आपको बता दूं कि दिन भर में मात्र 2 ट्रेन जो वो रुकती हैं, ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी DMU, इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकती नहीं है। और हर वर्ग के व्यक्ति की बात करें तो उनको कोई इसका फायदा रेलवे स्टेशन का नहीं हो पा रहा है, वो चाहे हमारे फौज से जुड़े लोग हों, इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग हों, यहाँ हमारे पढ़ने वाले बच्चे हों जो देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ने जाते हैं। और यहाँ सांबा के रेलवे स्टेशन को बात करें
तो रेलवे स्टेशन का उनका फायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनको ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू या फिर कठुआ जाना पड़ता है। तो एक बड़ी पुरानी लंबित मांग है कि सांबा रेलवे स्टेशन को यहाँ पर फंक्शनल दोबारा से किया जाए, जो कि कई डेलीगेशन जो है वो केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, इसी के साथ साथ प्रशासन से मिले हैं, रेलवे अथॉरिटी से मिले हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मोहर जो अभी तक लगती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब हमने जनप्रतिनिधियों के एंड पर बात की, खासतौर पर 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद जो आपके जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे सामने हैं, तो उनसे भी हमने बात रखी है, खासतौर पर सांबा के MLA सुजीत सिंह सिलाथिया जिनके अधीन ये रेलवे स्टेशन आता है, तो उनसे भी हमने बात की है कि क्या कुछ कदम इसको लेकर उठाए जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री से जाकर वो दिल्ली में मिलेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, रेलवे मंत्रालय से MP साहब भी वो साथ जाएंगे युगल किशोर जी, और इस मसले को एक बड़े लेवल पर वहां पर उठाएंगे ताकि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन सांबा पर ट्रेन जो वो रुक पाए। क्योंकि यहाँ पर अगर सांबा के एंड पर बात करें तो सांबा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर बिजनेस के बड़े बड़े इदारे हैं, इसी के साथ साथ कई और बड़े इदारे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग या यहाँ से बाहर जाने वाले लोग जो है वो ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू या फिर कठुआ जाएंगे, अगर उनको यहाँ सांबा रेलवे स्टेशन पे उतरना है तो वो नहीं उतर पाएंगे, वो जम्मू या कठुआ उतरेंगे। तो इसी तरह से ये दिक्कत परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब 5 साल का वक्त हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक पॉजिटिव वे में ये स्टेप उठाया जा रहा है, ये कदम उठाया जा रहा है, तो लोग इसका वेलकम कर रहे हैं कि चलिए इसको लेकर कोई संज्ञान तो ले रहा है। अब देखना ये कि कब तक ये मसला हल होता है, क्या ट्रेन रुकती है या नहीं रुकती। लेकिन अगर अपने सोर्सेज के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द यहां पर ट्रेन रुक सकती है। अब मंत्रालय के साथ जब बात होगी तो उसमें ही तमाम चीजें जो वो क्लियर हो पाएंगी कि क्या कारण है, टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, टेक्निकल इश्यूज इसमें क्या है जिसको लेकर ट्रेन को यहाँ पर जो वो स्टॉपेज को रोक दिया गया था। अब ट्रेन की स्टॉपेज की बहाली होगी तो कब तक होगी, क्या उसमें क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। अगर यहाँ पर ट्रेन की स्टॉपेज बंद हो जाती है, यानी कि ट्रेन एक बार फिर से सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, तो जाहिर तौर पर लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म भी आएगा। वहीं दूसरी तरफ हमने गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से ये भी अपडेट किया था कि यहाँ पर मूवी की शूटिंग भी हो रही है सांबा के कुछ इलाकों में, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है कहीं ना कहीं सांबा जिले में भी। देखिए सांबा जिला भी एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट सर्किट जो वो बनता जा रहा है, यहाँ पर कई हमारे धार्मिक स्थल हैं या इसी के साथ साथ कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स हैं यहाँ पर, तो उनको एक्सप्लोर किया जाएगा जब यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। हालांकि पहले भी ट्रेन रुकती थी, हम ये नहीं कह रहे कि कभी ट्रेन रुकी नहीं है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ट्रेन रुकती थी, लेकिन कोविड के वक्त में जब जम्मू रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग सेंटर बनाया गया तो उसके बाद यहाँ से ट्रेन के स्टॉपेज को उठाया गया कि सबकी वहाँ पर टेस्टिंग होगी, इसलिए ये स्टॉपेज को उठाया गया था। लेकिन जब आप आर्थिक स्थिति से देखते हैं तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको इसका फायदा होगा, खासतौर पर जो टेम्पो ट्रेवलर वाले हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको भी इसका लाभ होगा कि जब पैसेंजर यहाँ पर उतरेंगे तो वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर अपने जो भी समाधान होंगे उनका वो फायदा ले पाएंगे। तो रोजगार के जरिए से जो है काफी फ्रूटफुल साबित होगा अगर ट्रेन यहाँ पर रुकती है, इसी के साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि जल्द ट्रेन रुकेगी तो ये तमाम आर्थिक स्थिति जो वो और ज्यादा सुधरेगी, खासतौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास के जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो सांबा की हो सकती है अगर यहाँ पर ट्रेन रुकना एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। कोविड काल में यहाँ पर जो ट्रेन की स्टॉपेज है वो बंद हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि सांबा रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर सांबा भी ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, यहाँ पर मूवी की शूटिंग्स हो रही हैं, अलग अलग यहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स भी है जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं, उसी के साथ साथ आर्थिक तौर पर लोगों की स्थिति को और स्ट्रांग करने के लिए, लोगों को फाइनेंशियली और स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पर लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर सांबा में एक बार फिर से ट्रेन रुके। अब विधायक जो है सुरजीत सिंह सिलाथिया, उन्होंने ये मांग उठाई है, और वो जुगल किशोर शर्मा जो कि यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ मिलकर अब वो दिल्ली जाएंगे, और जो यहाँ पर ट्रेन मंत्रालय है उनके साथ मुलाकात की जाएगी और इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जाएगी। सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी है कि बहुत जल्द यहाँ पर सांबा में एक बार फिर से ट्रेन जो है वो रुक सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मीरा साहिब इलाके में स्थिति, यहाँ पर स्थित डिविजनल वर्कशॉप में बीती रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। चोर एक गाड़ी में इस वर्कशॉप में पहुंचे और वहां पर CCTV कैमरे भी तोड़ दिए, और इसी बीच वर्कशॉप
के चौकीदारों ने अधिकारियों को सूचित कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। चौकीदारों की अगर मानेंगे तो चोरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस वारदात में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी है। इसी बीच चौकीदारों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। चौकी फोन किया, चलो पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो उन्हें गड्डी देख के लाई तो इतों गड्डी बैक करके कट के लिया गए। पिछले फिर अगे जाके जगह डंगर कोई रस्ता नहीं है, अगर फिर गत्ता फैरी गड्डी छड़ के लोग फायरिंग हुई, उन्हें फायरिंग भी किए, चार पाँच फायर किए। सर रात गड्डी दौड़ा बजे कहना अंदर आई, कमरे तोड़े उन्हें पहले कमरे तोड़े, बाद च उन्हें अंदर आया, उन्हें वो किता समान चुकने की कोशिश की उन्हें, इन्हें पुलिस में फोन कर दिया, फोन आई पुलिस आई और पुलिस ने बाद उन्हें हमला किया। आगे बढ़ेंगे। डोडा के प्रेमनगर इलाके में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत ना होने से पिछले करीब दो महीनों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जल शक्ति विभाग के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई ना होने पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने हाईवे पर धरना देकर अपनी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। आलम यह है कि लोग दूर दूर से चश्मों का पानी ढोने को मजबूर हैं और जल शक्ति विभाग लंबी ताने सोया है। लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और लोगों की काफी लंबी जो मांग थी, लोगों के घर तक पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। कई सालों से लोगों की एक देरीना मांग थी, लेकिन अब जब विधायकों ने और अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, जो यहां पर कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो अब लोगों में गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने यहाँ पर हाईवे जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ डोडा से विकास मन्हास ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास। लोगों का गुस्सा जो है वो अब सातवें आसमान पर है, सब्र का बांध टूट चुके हैं, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है हाईवे मार्ग जाम कर। जी शिपन, मैं आपको बता दूं, काफी लंबे समय से प्रेमनगर के लोगों को जो है पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी पीएचई विभाग के उन तमाम लोगों को बताया था उनने कि इस पाइपलाइन को रिपेयर कर दें और ठीक कर दें ताकि पानी प्रॉपर तरीके से इनके उस जगह तक पहुंचे। और इस मार्केट में लगभग 250 से ज्यादा घर है और आसपास दुकानें भी काफी ज्यादा है जो हाईवे के बिल्कुल साथ में, तो ऐसे में तमाम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और इनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और इन्होंने अपने विधायक को भी बताया था लेकिन किसी ने इनकी बात आगे तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। फिर इसके बाद ये तमाम लोग हाईवे पर उतरे और इन्होंने जो है चक्का जाम किया। कुछ समय के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और फिर इनके जो विधायक है यानी दिलीप सिंह परिहार, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है इनको कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका पानी की समस्या ठीक हो जाएगी। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कब तक ये चीजें होंगी और काफी लंबे समय से बारिश ना होने के कारण डोडा के अलग अलग जगहों पर इसी तरह लोग जो है दिक्कत का सामना कर रहे हैं। विकास, अब देखिए विधायक तो मौके पर पहुंचे, आश्वासन दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पीएचई डिपार्टमेंट जिसका नाम कि अब जल शक्ति विभाग रखा गया है, क्या कुछ लगता है कि कितनी शक्ति है इस विभाग में, क्योंकि सिर्फ डोडा के इस इलाके की ये बात नहीं है, हर एक इलाके में इसी तरीके से लोग जो है वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। देखिए डोडा के बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं जहां पर काफी सारी पाइपें टूट चुकी हैं या फिर कहीं पर जो काम करना चाहिए इस विभाग ने वो जो है बिल्कुल घेरी नहीं सोया हुआ है, क्योंकि जो इनके लोग हैं जिन लोगों ने इस पे काम करना चाहिए, जिस पाइपलाइन को ठीक करना चाहिए, लोगों तक पानी पहुंचाना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा है और हर जगह पर लोग जो है इनकी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इनके ऊपर। अगर सही तरीके से होता तो लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। विकास, हर घर जल हर घर नल जैसी जो स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन डोडा तक नहीं पहुंच पा रही, क्या लगता है कहां पर कमी जो है वो रह रही है? देखिए सेंटर की जितनी भी स्कीमें हैं और यहां के दूर दराज जो गांव हैं उन
गांव तक ये चीजें जो है अभी तक नहीं पहुंची है। और जिसमें जेजीएम स्कीम भी एक है जिसमें 15,000 करोड़ पैसा जो है यानी जम्मू कश्मीर के लिए आया है, लेकिन डोडा के कुछ गांव ऐसे हैं जिन लोगों को इस चीज का पता भी नहीं है, लेकिन आज भी वो लोग जो है पानी अपने घरों के लिए चश्मे से उठाकर लाते। तो ऐसे में सोचिए कि लोग जो है किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है हर घर जल और हर घर नल, और दूसरी तरफ जिस नल में जो नल लगे भी हैं उनमें भी पानी नहीं आ रहा। तो ऐसे में काफी बड़ी लापरवाही है और इसको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए और कम से कम इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी काफी जरूरी है और पानी के बगैर ना ही खाना बनेगा और ना ही कोई दूसरी चीजें होंगी। ऐसे में ये प्रॉपर तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए और जो इस पे कोई लापरवाही कर रहा है उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। डोडा से विकास मन्हास अपडेट कर रहे थे किस तरीके से वहां पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखने को मिला। लोगों ने सड़क मार्ग जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है। अब जो विधायक है वो मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये विरोध प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने भी आश्वासन दिया है और आला अधिकारी जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द जो उनकी मांगे हैं वो पूर्ण रूप से पूरी की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिलों में मौसम धीरे धीरे करवट बदलने लगा है। बात करें अगर डोडा की तो यहाँ भी मौसम ने करवट बदल ली है और ठंड में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है, जिसके चलते कि 3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। हालांकि मैदानी इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई असर नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसी बीच में भविष्यवाणी ये की गई है कि आने वाले 3 दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कुछ इलाकों को टच करेगी, जिसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के वहां पर ज्यादातर जो बर्फबारी है या फिर जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। इसका सीधा तौर पर असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा हो सकता है, लेकिन बारिश या फिर बर्फबारी के आसार अभी फिलहाल मैदानी इलाकों में नहीं है। इस हवाले से भी अपडेट करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि 3 दिन तक मौसम जो है वो खराब रहने वाला है। तो वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम बताएगा, भविष्यवाणी तो की गई है लेकिन अब ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी वो देखने वाली बात होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है लेकिन मैदानी इलाकों में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है बताइएगा। बिल्कुल शिपमा, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से लगभग 2 से 3 दिन हम देख रहे हैं कि मौसम में जो है तब्दीली आ चुकी है। ठंड काफी ज्यादा जिला डोडा के अंदर भी देखी जा रही है और हमारे जो दूर दराज के इलाके जैसे भदरवा के इलाका पिछले दिन वहां पे देखा कि वहां पे जो पहाड़ी इलाके वहां पे बर्फ देखी गई और ठंड भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर भी इसका असर सिटी के अंदर भी देखने को मिल रहा है और जहाँ पे मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी होगी जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, तो ऐसा आज लग रहा है कि ठंड जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, माइनस में टेम्परेचर जहां पे देखा जा रहा है, तो यही हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से जो है ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बालाई इलाकों में आने वाले टाइम में बर्फबारी हो सकती है और जब अक्सर बारिश होती है बर्फबारी होती है जो हमारे पहाड़ी इलाके हिली एरियाज है जैसे भरत गुंदरा देसा वाला इलाका है, तो रास्ते जब बंद रहते हैं तो लोग कहीं ना कहीं सवाल काफी ज्यादा उठाते हैं। राशन की किल्लत है, बिजली की काफी ज्यादा आंख मचोली देखी जा रही है, हालांकि बिजली की आंख मचोली हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर भी देखी जाती है। सर्दियां अभी मसा उसकी शुरुआत हो चुकी है तो इसमें हम कोशिश करेंगे ये इलाकों के अंदर राशन सही टाइम पे पहुंचना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में अगर बर्फबारी होती है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी रोड कनेक्टिविटी बर्फबारी की वजह से टूट जाती है, उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि आपने भी बताया कि हमेशा से लोगों की डिमांड रही है, लोगों की कहीं ना कहीं शिकायतें भी रहती है कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर अलग अलग चीजों की वजह से, उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 से 2 दिन पहले जो है इसमें मीटिंग की थी और यही बताया था कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहां पे किस तरह से लोगों के लिए फैसिलिटीज का इंतजाम करना है, खास करके जब राशन की बात आती है तो राशन अक्सर लोगों की डिमांड रहती है, इलाकों के अंदर राशन नहीं है, बिजली की समस्या उन लोगों को रहती है, तो ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में लोगों की कोई भी समस्या इस तरह की नहीं होगी और खास करके जो फोकस आज की डेट में किया जा रहा है, लोगों का ये मानना है कि बिजली की आंख मचोली लगातार जारी है,
पढ़ने वाले बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज पे ध्यान देने की उनको काफी ज्यादा जरूरत है। और जो इलाकों से लोग आते हैं शहर की तरफ बिजली को लेके, इलाकों के अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बिजली की समस्या देखी जाती है, तो वो कोशिश करते हैं शहर के अंदर हम आए अपनी स्टडी हासिल करें, मगर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वही नजारा देखने को मिलता है जो गाँव के अंदर देखने को मिलता है। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा जो है फोकस करना होगा ताकि शहर के अंदर ये समस्या हो, क्योंकि चिनाब खित्ते से मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं से बिजली तैयार होकर जो है बाहर भेजी जाती है, मगर अब यहाँ के लोग इस बिजली के लिए अगर तरसेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि लगातार भविष्यवाणी ये की जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले 3 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रूप से देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बर्फबारी होगी और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड में इजाफा हो सकता है। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मैदानी यानी कि प्लेन्स को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, यहाँ पर मौसम जो है वो सामान्य तौर से देखने को मिलेगा, कोई बर्फबारी या फिर बारिश नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।